बताया तो मैंने बड़ी रीत से भोलेनाथ का भजन, पर ये कहानी है एक जाटवी थी ना, हरियाणा का भजन है ये, मेरे गले नहीं है ठीक थोड़ा आज, तो हरियाणा की जाटवी थी तो वो भोलेनाथ को पूछती थी बहुत, उसको होता था ऐसा कि जो भी कुछ करेगा मेरा भोला ही करेगा, जो भी कुछ करेगा मेरा भोला ही करेगा। उसके उठ गई पेट में दर्द, ठीक है पेट दर्द उठ गई, तो जाट को बोले कि भाई मेरे को ना नीलकंठ मंदिर ले जा और मेरी पीड़ वहीं ठीक होएगी, वहाँ मेरा भोलानाथ मेरे को जाला लगाएगा, मैं ठीक हो जाऊँगी। जैसे कि मेरे पास लोगों की आस्था है कि सोनू दीदी लेबर पेन भी हो रही हॉस्पिटल में, तो बोलेंगे दीदी को करो फोन, मेरी हमारी होगी वहीं से ठीक। तो भी ऐसी दीवानी थी कि मेरी होगी ही वहीं से ठीक। तो जब अति दुख हो गया वो, तो ले गया नीलकंठ के मंदिर में, वहाँ कह रहा भोलेनाथ को ठीक कर इसको, और अगर तूने ठीक नहीं करी ये तेरे को भोग भी देते, तेरी पूजा करी तेरी बेइज्जती होएगी, इसको ठीक कर दे और लोग भी क्या बोलेंगे कि इतना भोला भोला करती थी और इसके पेट में दर्द हो। हम साधकों को तो ये भी मरना हो जाता है कि अगर बीमार हो गए तो बोला कहाँ गई माता, माता नहीं ठीक करती, ऐसी बातें करते हैं लोग है ना, तो माता ने नहीं ठेकेदारी ली, हम अपने कर्म होते हैं ना। तो फिर उसको गाने के माध्यम से मैं गाती हूँ, हरियाणवी टच है इसमें, और जाट भोलेनाथ को गाने से सुना रहा है कि इसको ठीक कर, तो इसको आप सुनिए ठीक है। तो मेरी किस्मत जाटड़ी मर जाती।
भगवान की महिमा ऐसी होती है, चाहे हरियाणा में बना दो, राजस्थान में बना दो, कुछ भी बना दो, भगवान की इच्छा होनी चाहिए। मैंने सोचा मेरे ते पता नहीं हमारे तारे होना कि नहीं होना, ये तो बढ़िया हो गया भाई।